मुख्यमंत्री साहब का मैं आज फोन आया सी क्योंकि आप जवाब दी अज मंडे तक का फिक्स किया कि सोमवार तक सू जवाब चाहिए तो उन्होंने मैनू आश्वासन दिता है कि तुहानू अज जल्दी जवाब आ जाएगा, उम्मीद है शाम तक आ जाएगा, जिवें ही आ जाएगा तुहानू सब लोगों को टैक्सट कर दिता जाएगा। देखो मटका चौक पर जड़ा एक क्या सी, एक सिर्फ हल्ला शेरी सी बीइंग ए वुमेन वुमेन कम्यूनिटी नू कि यह इदा के जड़े मैटर ने जे प्रोमीनेंट लोग ही इस तरह के करेंगे तो समाज दे छुपने नहीं चाहिए, यहोजे मैटर स्ट्रोंग करते एक वुमेन कम्यूनिटी बीइंग ए वुमेन मैं मैसेज दिता सी एज ए कमीशन दी चेयरपर्सन, मैं किसी मटका चौक पर नहीं जाना सी, सिर्फ एक हल्ला शेरी सी वह भी हल्ला शेरी औरतों देने वास्ते सी, उन्देच भी मैंने इन्ने कु सारे मैसेजेस मेरे फोन पर आ गए कि इन्नी सारिया लेडीज़ आने वास्ते तैयार सन और अज की सिचुएशन नू देखते हुए वो करना मुनासिब नहीं समझिया और वो वैसे भी जवाब आ गया मुख्यमंत्री साहब का कि तुहानू जल्द ही इन्दे बारे च जवाब दे दिता जाएगा, आश्वासन दिता उन्होंने मैनू, तो उम्मीद है कि आज शाम तक या कल तक सानू जवाब आ जाएगा, इन रिटर्न जिस तरह ही जवाब आएगा मीडिया नू वो फॉरवर्ड कर दिता जाएगा। जी नहीं देखो चीफ सैकटरी बिल्कुल बुला सकते हैं पर हाले तक नौबत इतने तक आई नहीं ना, मटका चौक पर बैठना सिर्फ एक बीइंग ए वुमेन वुमेन कम्यूनिटी हल्ला शेरी देना सी, कमीशन को बहुत पावर ने, ईवन जड़ियाँ होर पॉलिटिकल पार्टियाँ सारियाँ इस अग वेच अपने हाथ सेकन ते लगिया हुई ने, उन्होंने मेरा एक मैसेज है अलर्ट रहो कि हाथ तुहाडे ही ना जल जाण, ए कमीशन है कोई पुलिस का थाना नहीं, तो बी अलर्ट। होर जड़े लोग सोशल मीडिया से हेटर्स ते जड़े ट्रोलर्स ने मेरा उन्होंने सल्यूट है कि तुहाडी जड़े है तुसी पिक्चर्स ट्रोल करते हो या जिन्होंने मैनू गंदे गंदे मैसेज पाए ने, मेरे को एक पावर है कि तुहानू सारियां नू मैं चक सकती हाँ, बट नहीं कोई नहीं आज दा टाइम जड़ा सिचुएशन है चल रही है मैं तुहानू सल्यूट ही करनी हाँ और जिनी वूमेन कम्यूनिटी ने मैनू इन्ने सारे मैसेज दिते, बहुत सारा प्यार दिता, बहुत सपोर्टिंग वे च अगे आई हाँ, मेरा उन्होंने सबनों सल्यूट है, तो बाकी पॉलिटिकल पार्टियां लिए मैसेज है कि इस अग विच अपने हाथ ना सेको नहीं तो परतां दर परतां खोलने च कमीशन नू देर नहीं लगेगी। देखो मैं कभी भी नहीं किया कि सीएम साहब नाल मेरे परिवारिक रिलेशन नहीं है, एज ए कमीशन दी चेयरपर्सन ए मेरा अपना एक कैरियर है, मेरा अपना मैं जुड़ी हुई हाँ सरकार का ही चाहे है, एक बॉडी सरकार की बनाई हुई है, पर मैं कभी भी नहीं किया हुन जिथे जिथे साड़ी समाज की जनता नाल, हुन मैं 3 साल दे चेयरमैनशिप दे मेरे पीरियड मैं प्रधानमंत्री मोदी जी नू मिल के आई हाँ NRI कुड़ियाँ दे रिगार्डिंग मुद्दे नू लैके, मेरे प्रधानमंत्री मोदी जी नाल भी दे समाज कह दे कि मेरे परिवारिक रिलेशन ने, मैं अपने ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी नू नवदीप कौर दे मामले च मिल के आई हाँ, मेरे अमित शाह जी नाल भी मेरे परिवारिक रिश्ते ने, मैं साडे देश दे प्रेजिडेंट नू मिल के आई हाँ, मेरे उन्हां नाल भी परिवारिक रिश्ते ने, ते साडा देश है जड़ा ए खोखला है, साडा देश साडा कानून खोखला नहीं है, साडे भारत वर्ष का कानून लचीला जरूर है पर साडा देश खोखला है, लोगों के इमोशंस खोखलियां ने कि लोग अज तक सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियां के मोहरे ही बंदे आए ने और मोहरे ही बंदे रहेंगे जब तक अपनी सैल्फ रिस्पैक्ट वास्ते अपनी घर की औरत नू रिस्पैक्ट नहीं करेंगे, बाहर की लेडीज़ नू रिस्पैक्ट नहीं करेंगे तो साडा देश खोखला ही रह जाएगा। और जे मेरे देखो जी लेडीज़ आवाज़ उठा रही है जे उन्हों ट्रोल कर रहे ने, मेरे लिए मैटर नहीं रखता क्योंकि मैं परवाह नहीं करती, पर एक आम जनता ली या पंजाब की एक जड़ी फीमेल हैगी है साड़ी 50% जनता उन्हों कोई ट्रोल करेगा, साड़ी कमीशन ऑन ट्रोलिंग उत्ते भी एक लॉ लेके आ रही है, इन्हों सब दे नाके च मैं रस्सी पा के रहूँगी। ऐते देखो देखो लोगों का काम है कहना, लोग तो कुछ भी कहेंगे, 3 साल बाद की साडे भारत देश हुन पिछे ही 30 साल बाद भी एक जर्नलिस्ट ने मुद्दा उठाया, एक राज्य मंत्री नू डेफेमेशन का केस भी हार गए ते वैसे भी उन्होंने सस्पेंड कर दिता गया, ए कोई गल नहीं होंदी, इन्दा मतलब कि साड़ी जड़ी पंजाब की जनता है या साड़े देश की जनता वो यह कहना चाह रही है कि साड़ा जड़ा जुडिशियल सिस्टम है साड़े पंजाब का या साड़े देश का वो वीक है, क्या साडे मजिस्ट्रेट या साडे जड़े सीनियर एडवोकेट या जड़े एडवोकेट ने या साडियां कमीशन्स कमजोर ने, उन्हां नू कुछ पता नहीं?
ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕੋਟਾ ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਰਦਨਾਕ ਕਿੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲਦੇ ਮਿਲਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੈ ਗਏ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਚੀਲਾ ਹੈ ਪਰ ਖੋਖਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੋਖਲਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਐਸੇ ਅੱਗੇ ਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸੇਕਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਦੇਖਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾ ਜਲ ਜਾਣ। ਔਰ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੇਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ, 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀ, 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਾਵਰਸ ਨੇ। मनीषा गुलाटी दी अपनी एक पर्सनैलिटी है, मनीषा गुलाटी कदी भी किसी दा मोहरा नहीं बनेगी। अज सिर्फ ऐसे क्योंकि अज आपां सरकार नूं अल्टीमेट अज दे फोन नूं इहदे नाल ना जोड़ो। मेरे मुंह च तुसी अपने शब्द पाण दी कोशिश ना करो कि ओ की कह रहे ते ऐ की कह रहे। मेरी नहीं नहीं शब्द ही पा रहे हो तुसी, ये कोशिश कर रहे हो। पर देखो सुखी रंधावा जी मेरे वड्डे भरा ने कुछ भी कह सकदे ने, उहनां दा पॉलिटिकल एक पार्टी नूं सपोर्ट करन लई, अपने कुलीग नूं सपोर्ट करन लई कोई भी कमेंट हो सकदा। मैं उहनां दी रिस्पैक्ट करनी आ, कुछ भी कह सकदे ने। डेमोक्रेसी है, हर किसी नूं अपनी गल रखण दा हक है। देखो मामला 30 साल पुराना भी होवे, तुहाडे सामने ही भारत सरकार दा पिछले तुसी साल विच नोटिस कीता होएगा। एक मिनिस्टर नूं उतार भी दिता गया, जर्नलिस्ट नूं 30 साल बाद जस्टिस मिलिया, डेफेमेशन दा केस तक हार गए, ते ए गल नहीं हुंदी। साडा हिंदुस्तान दा कानून थोड़ा लचीला है। उम्मीद है अज तुहाडे मार्फत प्रधानमंत्री जी नूं अपील भी करने आ कि सख्त तो सख्त अमेंडमेंट कीती जाए ताकि जिहड़े प्रोमीनेंट लोग ने, जड़े आंसरेबल ने, लोगों के वोटा तो चुन के नुमाइंदे बनते ने स्टेट के, शहर के, जिले के, तो वो इस तरह के काम ना कर। ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਵੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਵਾਬ ਆਏਗਾ, ਮਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ। ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਆਏਗਾ, ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ मैं हले किस तरह कह सकती हूँ कि सीएम साहब की रिप्लाई करेंगे, कभी जज भी दसता है कि वकील की बोलने वाला। नहीं देखते हैं की करांगे, उस तो बाद देखते हैं, साड़ी लीगल टीम डिसाइड करेगी। पहले जवाब तो आए ना कि सरकार की जवाब दे रही है, हले तो इस टाइम सरकार कटघरे च है ना, लेट्स सी देखते हैं। नहीं मंत्री नूं तां सिर्फ तां बुलाया जा सकदा, कमीशन चाहे तो कर सकदा, पर हाले साडे कटघरे सिर्फ सरकार है, सरकार जवाब दे। मनीषा जी ए तक जानकारी सामने आ रही है कि जदों तुसीं पिछली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कीती उस तों 1-2 दिन पहला तुसीं पंजाब दे मुख्यमंत्री नूं मिले, ओह ते देखो ऐ ते कुछ भी कहणगे, गल सामने आ रही है। मुख्यमंत्री साहब नूं मेरे मिलन ते कोई रोक ला सकदा, कोई माई दा लाल नहीं रोक ला सकदा। मैं कमीशन नूं, वुमेन कम्युनिटी नूं, 50% दी कम्युनिटी नूं होल्ड कर रही हाँ। जदों मैनूं जरूरत होएगी अपने ऑफिशियल काम लई ते मैं मुख्यमंत्री कोल 100 वार भी जावांगी। जदों दी चेयरपर्सन बनी हाँ 10 तों 12 वार मिल भी चुकी हाँ काम दे सिलसिले च, और मिलती रहांगी, कोई रोक नहीं सकता। हुण भी मिलन जा सकती हाँ, मेरी कमीशन दे बहुत सारे इहो जिहे काम ने, मसले ने। कोविड दी सिचुएशन थोड़ी जी सैटल हुंदी है ते मैं मुख्यमंत्री साहब नूं मिलन जावांगी। मुख्यमंत्री नूं जी देखो ए उन्हां दा पॉइंट ऑफ व्यू है, वह कुछ भी कह सकते हैं, यह उन्हां दा पॉइंट ऑफ व्यू है, वह कुछ भी कह सकते हैं। ए आपां देखांगे, मैं वो मेरे एडवाइजर नहीं ने, ना मैं उन्हां कोलों पुछ के जो कहना करना है, इट्स माई कमीशन, आई विल ओनली डिसाइड कि मैनू की करना। ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ
मैं तो जो दी आई हाँ बहुत सारे काम कर रही हूँ, बहुत सारी कार्रवाई कर रही हूँ। आप एक रिकॉर्ड मैं अपने स्टाफ को किया कढ़न वास्ते 3 साल शायद ही पंजाब कोई यहोजी वारदात साढ़े हथों निकली होगी या इंसीडेंट साढ़े हथों निकल के गया होगा जो आप सरकार को पुलिस डिपार्टमेंट को रिपोर्ट नहीं मंगी। मैं अपने स्टाफ को उस दिन मैं सोशल मीडिया से ही देख रही किसी ने क्या होया सी कि या कोई प्रोमीनेंट बंदा ही कह रहा है कि पंजाब जड़े रेप हुए ने या गैंग रेप हुए ने। आप सारा डाटा तुहानू दांगे कि कोई एक भी केस कमीशन दे हत्तों छुट के नहीं गया। आप सारे केसां सरकार नू भी घेर रहा है, अपना इन्वेस्टिगेशन एजेंसी साड़ी पुलिस है पुलिस नू भी घेर रहा। इंसाफ दीवाना कमीशन का काम है उन्होंने राइट्स लिए आवाज़ चुकना। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी साड़ी पुलिस ही है, जड़ा इन्वेस्टिगेशन करना है कार्रवाई करना है वो पुलिस ने ही करनी है। बहुत सारे लोगों को इंसाफ मिले, बहुत सारे केस हाले पेंडिंग पे हुए ने, 2 साल तो हो गए आप कोविड नाल जूझते पे हैं। साड़ी जड़ी पंजाब की पुलिस है वो लोगों की जाना बचाने लगी हुई है, तुहाडे तो कुछ छुपया नहीं होया तो लगे हुए हैं, साड़ी लड़ाई चल रही है। ठीक है सिस्टम थोड़ा कमजोर है, स्टाफ की कमी है पुलिस डिपार्टमेंट भी, परफेक्शन देखो कोई भी सरकार आज तक नहीं ले आ सकी परफेक्शन जड़ी है तुसी लभदे आ आपा लोग लभदे आ। सिस्टम में सुधार दी जरूरत है, समय दे नाल आने वाले टाइम में कमिश्नर सुरक्षा एजेंसियां यूएसए वाकू पावरफुल जरूर होनगियां, कानून भी बदलेगा और जड़े हेटर्स और ट्रोलर्स ने इन्हों की भी सोच बदलेगी। मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है हो सकता है उन्होंने अज तक उन्होंने जड़े एक्सपीरियंस ने या मोहरे बने रहे ने दूजे लोगों के हत्था दे शायद उन्होंने कोई अच्छा मिलिया ना होए या फिर जड़े बहुत ही एक जी एक सोच लैके चलते ने उन्होंने परवरिश से एक शक किया जा सकता है कि शायद उन्होंने औरत की इज्जत करना नहीं सिखाया गया जे कोई उन्होंने राइट्स लिए आवाज़ चुक रहा। मंत्री नहीं तुहानू नहीं पता मेरे ऑफिस बहुत कुछ इतने होंगे, आप एक केस की डिटेल नहीं, बहुत सारे प्रोमीनेंट बंदे समाज के नुमाइंदे भी आप बुला के इतने घेरे हुए ने। आपस जो मर्जी कमीशन ने जो सू मोटो लिता सरकार को रिपोर्ट मंगी सरकार अपनी रिपोर्ट भेज रही। हाँ तो तुहानू किन्ने कहा कि बहस से आप कार्रवाई नहीं की। हाँ देखो ना मैं आप तुहानू कढ़ के रिकॉर्ड देने कि 2 वारी आप लुधियाना पुलिस कमिश्नर नू लिख के भेजा कि सानू बहस वाले मामले की रिपोर्ट लिख के सानू फटाफट भेजी जाए, नहीं आई रिपोर्ट फिर उन्होंने रिमाइंडर लाया गया। हूँ आप 3-4 दिन पहले BOI नू भेजा, BOI नू मैटर है भेजता कि इनकी फटाफट इन्वेस्टिगेशन करके, कोई भी मैटर एहोजा नहीं है। बहुत सारे प्रोमीनेंट लोग ने साडे समाज दे जिन्हां दे मैं नाम इत्थे डिस्कलोज, बहुत बड़े ऑफिसर ने जिन्हां दे फैमिली डिस्प्यूट पिछले साल कोविड च, कोई SSP है कोई DC है कोई ADC है SDM है, बहुत सारे मैटर मेरे को ने। आम पब्लिक दे ते छोटे मोटे आप इत्थे उन्हां नू खत्म कर देने कि पब्लिक आम जड़े एक बेचारे पब्लिक है हरास ना होन कोर्ट कचहरियाँ या थाने जाकर, कुछ मैटर आप अपने लैवल ते भी सुलझाए ने। पर जड़े प्रोमीनेंट लोग ने जड़े खुद लोगों कहते हैं कि आप जस्टिस दे रहे हैं SDM ADC DC जो जे लोग ते उन्हां ते अपा उन्हां नू वार्निंग भी दित्ती है और कोशिश भी की है कि उन्हां दे मैटर सॉर्ट आउट हो जाए। देखो महिला कमीशन को मैं टाइम टू टाइम जो भी चेयरपर्सन बनी हाँ घट तो घट 4-5 लैटर मेरे प्रधान ऑनरेबल साढ़े प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिखे जा चुके ने। मेरी पर्सनल भी जो मीटिंग रही मैं 40 मिनट मेरी उन्होंने मीटिंग चलती रही। NRI कुड़ियों के केस जड़े साल तो पेंडिंग पे हुए ने उनके विचे बहुत सारी उन्होंने नाल मेरी गल हुई सी, बहुत सारे सुझाव दिते, बहुत सारे उन्होंने भी क्वैरी सी जिंदे लिए मैं भी प्रिपेयर नहीं सी कि मैं हैरान सी कि प्रधानमंत्री पद के अहदे ते बैठा होया उनका कंसर्न कि पंजाब की बच्चियां क्यों बाहर जांदियां ने, कुछ उन्होंने इदा के सवाल सी। ते हुण नवदीप कौर के मामले भी मैं अमित शाह जी नूं मिलन गई सी तो मैं तो टाइम टू टाइम आवाज़ उठाती रहनी हाँ, पर गल घूम चुक के आँदी समाज उत्ते कि समाज किन्ना कु चाहुंदा है कि अगे साड़ी वूमेन कम्यूनिटी नू हर घर तुसी जिन्ने इत्थे जर्नलिस्ट बैठे हुए हो तुहाडे सब दे घर माँ है भैन ने बीवियां ने
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇੱਕ ਸੇਫ ਮਾਹੌਲ। ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਚੀਲਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਖੋਖਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਹੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਆਪਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ BOI ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਸਪੀਡ ਪਕੜਨਗੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਜਲਦੀ ਜਵਾਬ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਔਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਦੇਖੋ ਉਮੀਦ ਇਹ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ, ਜਵਾਬ ਆਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਆ ਜਵਾਬ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਦਾ ਕੁਛ, ਜਦ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੇਰੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਆ। ਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ। ਮੇਰਾ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਆਏਗਾ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਜਵਾਬ। ਮੇਰੇ ਤੇਵਰ ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤੇਵਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਇਹੀ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਧਰਨੇ ਤੇ ਨਾ ਬੈਠ ਜਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਪਾਵਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਐਂਡ ਮੌਕੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਜਲਦੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਵਾਬ ਜਲਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਆ ਜਾਏਗਾ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਓ ਕਿ ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, 2 ਮਹੀਨੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇ ਬੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਵਾਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਇਨ ਰਿਟਰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇਗੀ।